हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल अकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम कैनोनिकल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? कैनोनिकल फॉर्म का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ईच टर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस कंटेन ऑल इनपुट वेरिएबल्स आइदर इन ट्रू फॉर्म और इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। यानी कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन के इनपुट वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पे या तो ट्रू फॉर्म में या तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दिए होने चाहिए। ऑल इनपुट वेरिएबल्स, समझ में आ रहा है? ऑल इनपुट वेरिएबल्स। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे उस एक्सप्रेशन को बोल सकते हो कि वो कैनोनिकल एक्सप्रेशन है या फिर कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है? अब ये जो फंक्शन है ए बी सी, जिसमें आप देख सकते हो इनपुट वेरिएबल तीन है, ए बी और सी, और सामने इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए प्राइम बी प्राइम सी प्लस ए बी सी। तो अगर आप देखो तो हर एक में, यानी कि हर एक के अंदर तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। जितने यहाँ पे दिए हुए फंक्शन में तीनों के तीनों यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन। क्या वो बोलेंगे? कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्म है, तो हम इसको कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे जो फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे बेसिक सी मिस्टेक है, ए बी सी डी, ठीक है? ए प्राइम बी सी डी, ए बी प्राइम सी प्राइम डी एंड ए बी सी डी, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या ट्रू फॉर्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे के सारे प्रेजेंट है, तो आप इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म बोल सकते हो। जी हाँ, आप इसको सी एस ओ पी भी बोल सकते हो। सी एस ओ पी का मतलब क्या होता है? कैनोनिकल, सी फॉर कैनोनिकल एंड एस ओ पी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ में आ गया? तो ये बेसिक सा फंडा है कैनोनिकल फॉर्म का और ये आपको याद रखना है। हो सकता है इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, हम इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म हमारा हो गया, अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बाद में एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम, ठीक है? और इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। नाउ अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टर्म दैट डज नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल्स, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन टर्म दैट डज नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल्स, तो ऐसा जब भी होता है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो चलिए, कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे? बहुत सिंपल, ये भी है फंक्शन ए बी सी, और यहाँ पे ये जो है इसका एक्सप्रेशन है ए प्राइम प्लस ए बी सी। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ए प्राइम ये वाली टर्म के साथ बी और सी प्रेजेंट नहीं है, बी और सी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब बी और सी मिसिंग है। और ऐसे केस में ये जो स्टेटमेंट है डज नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल्स, तो ये ट्रू होता है, और इसके साथ हम इसको बोलेंगे इट इज स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। अच्छा, एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एसओपी के ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पीओएस के लिए अलग रूल होंगे। नहीं, पीओएस के लिए अलग रूल नहीं होंगे, ये सेम रूल पीओएस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। चलिए मैं बताता हूं पीओएस के लिए कैसे। जैसे कि मेरे पास यहां पे ए प्राइम फिर उसके साथ साथ ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा पीओएस एक्सप्रेशन है, तो ये वाला पीओएस एक्सप्रेशन हम इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म्स देखो तो इसमें बी और सी नहीं आ रहे हैं, इसमें सारे आ रहे हैं लेकिन इसमें बी और सी नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन होगा। समझ में आया? और अगर आप सिर्फ इसको देखो ए बी सी, सिर्फ अकेला एक ही टर्म है लेकिन सारे के सारे वेरिएबल्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन। समझ में आया? हम चार वेरिएबल में भी अगर हम देखें तो ये दोनों में यहाँ पे सी और डी नहीं है, यहाँ पे ए और डी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन। समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस पार्ट को, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इन कैनोनिकल फॉर्म, कौन से यहाँ पे फंक्शंस जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में है। तो मुझे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फंक्शन वन ए बी सी, जहाँ पे ए प्लस बी प्लस से आप देख रहे हो ये पी ओ एस फॉर्म है लेकिन तीनों के तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी पी ओ एस, ऐसा हम बोलेंगे कैनोनिकल पी ओ एस फॉर्म। फिर सेकंड वन देखते हैं, तो ये क्या है? ए बी बी सी एंड ए सी, तो ये एस ओ पी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, सारे के सारे वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, तो ये हो गया एस एस ओ पी। समझ में आया? स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म।
उसके बाद फंक्शन 3 एबीसी, जहां पे अगर आप देखो तो एसओपी फॉर्म है लेकिन सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला एबीसी, जहां पे अगर आप देखो, उसके बाद फोर्थ वाला है जहां पे आप देखो ए और बी दो वेरिएबल है, ए प्राइम बी प्राइम प्लस ए बी, ये है एसओपी फॉर्म और ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इन कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म में कौन से है, तो F1, F3 एंड F4 ये हमारा आंसर है। लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कौन सा क्या फॉर्म में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के रिगार्डिंग, तो चलिए वो देख लेते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मेरे पास दो फंक्शन है, अगर आप देखो तो दोनों के पास दो वेरिएबल है, ए बी ए बी, इसका क्या है ए प्लस बी है। अगर मैं इसको पीओएस के फॉर्म में पढ़ता हूं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में पढ़ता हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में पढ़ता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में ये एक ही वेरिएबल बनता है ना। प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे वेरिएबल्स के उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम के हिसाब से ये एक ही टर्म है यहाँ पे। तो क्या मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में मैं इसको बोल सकता हूं, दिस इज इट इज कैनोनिकल पीओएस, बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं, है ना। अब अगर मैं इसको एसओपी के फॉर्म में पढ़ता हूं, मतलब मेरा जो देखने का नजरिया है इसको एसओपी की तरह है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में ये दो टर्म हो गई, तो इन दैट केस ये इट इज एस एसओपी, बोल सकते हैं हम, जी हाँ बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे ए अकेला बी मिसिंग है, यहां पे ए मिसिंग है। तो आप यहां पे किस वे में इसको देख रहे हो वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, समझ में आया आपको। अब यहां पे देख लेते हैं, यही फंक्शन में अगर आपको ए बी दिया हुआ है, तो अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में पढ़ता हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है प्रोडक्ट ऑफ सम में, और दोनों के पास ए के पास बी नहीं है और बी के पास ए नहीं है, तो ये अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में पढ़ता हूं तो इट इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, एस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, समझ में आया। अब यही क्वेश्चन को ए बी को अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ता हूं तो ये अकेला एक टर्म हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो इन दैट केस इट इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, समझ में आया। ये कैनोनिकल इस ये केस में ये कैनोनिकल होगा जब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये वाले केस में सम ऑफ प्रोडक्ट वाले में ये कैनोनिकल होगा, समझ में आया। दो वेरिएबल में ये चीज पॉसिबल है, शायद आपको कभी भी ये आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, आपको कहीं ना कहीं क्लू दिया होगा कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो कॉम्बिनेशन है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और मजा आया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म का मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा। तो भाई आपका देखने का नजरिया कैसा है वो डिसाइड करता है कि ये कैनोनिकल है या स्टैंडर्ड है, समझ में आया। तो भाई कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो जो आपके दोस्त डीएलडी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।